जानी मानी टीवी एक्ट्रेस रुचा गुजराती ने अपने पति पर मारपीट और परेशान करने का आरोप लगाया है। रुचा ने देसी गर्ल, कुसुम, भाभी और सास बिना ससुराल जैसे सीरियल्स में काम किया है। रुचा ने मुंबई के जुहू में पति मितुल संघवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रुचा के आरोपों पर उनके पति मितुल संघवी ने एबीपी न्यूज से कहा कि वो इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं। तो रुचा गुजराती ने अपने पति पर आरोप लगाया है और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत का रुख करते हैं। उमेश, आपने रुचा गुजराती से बात की है, क्या कह रही है वो? हमारे साथ अभिनेत्री रुचा गुजराती है जिन्होंने अभी जुहू पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की है। क्या शिकायत दर्ज की है आपने? मैं रुचा सांघवी, मेरी शादी मितुल सांघवी के साथ 24 अक्टूबर 2010 में हुई और तभी से मेरी मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम है। हनीमून से लेकर आज तक मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करती आ रही हूँ। हनीमून में ही मेरे हस्बैंड ने मुझे मेंटल टॉर्चर किया, मितुल सांघवी ने, और मुझे फिजिकली धक्का मारा और कहा कि हनीमून के पैसे शेयर करने चाहिए, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल रैनसैक यू इन 6 मंथ्स और देखा जाएगा क्या होगा। और शादी के पहले उन्होंने मुझे सब देख के सारी चीज़ें देखकर ही शादी की। एक मैट्रिमोनियल के थ्रू हमारी शादी हुई। 3 महीना बकायदा कुछ पीरियड था, उन्हें पता था मैं इंडस्ट्री से काम करती हूँ और मैं कैसी हूँ, और उसके बावजूद उन्होंने सब कुछ देख के ही मुझसे शादी की। लेकिन तब से लेकर आज तक मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है, ना ही मितुल सांघवी बल्कि उनके पेरेंट्स कमलेश सांघवी और दक्षा सांघवी दोनों। वो लोग मुझे, जैसे मेरा कभी मुझे कुछ होता है या कुछ मुझे तकलीफ होती है तो कमलेश सांघवी जो मेरे फादर इन लॉ है वो बोलते हैं कि मितुल को कि इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना काम कर, इसको जो होगा देखा जाएगा। और ये ड्रामा, और मुझे बोलते हैं ये ड्रामा बंद कर, ये ड्रामा क्वीन के आंसू बंद कर, ये सब कोई सीरियल नहीं चल रहा है। और बहुत ही कंजर्वेटिव इलिबरल लोग हैं और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मीडिया से हूँ, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखा हुआ है। कहीं आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है मुझे, बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे मैं जेल में हूँ। मुझे घर की चाबी नहीं दी जाती है, नौकरों को बोला जाता है कि इन्हें चाबी मत दो, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है। खाने पीने की व्यवस्था बराबर नहीं है, मैंने कई बार बाहर से खाना मंगवाया है और मुझे खाना प्रोवाइड बराबर से नहीं करते। हस्बैंड तो पूछता ही नहीं कि मैं जी रही हूँ, मर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप जो लैंग्वेज बोलते हैं वो भी वही लैंग्वेज बोलता है, उसे जितना माँ बाप सिखाते हैं वो उतना ही समझ के बोलता है, और वो अपने माँ बाप की पूरी लैंग्वेज बोलते हैं। गुजराती में बोला जाता है कि वो मावड़ियों होता है, वो बिल्कुल मावड़ियों की तरह है। मैंने अपना पूरा करियर उसके लिए दाव पे लगा दिया, आज मेरा करियर कुछ भी नहीं है। आज मैं ऐसी स्टेज पे आ गई हूँ कि मुझ पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि मैं उनकी करोड़ों की संपत्ति मांग रही हूँ, बल्कि मैं आज अपने हक के लिए लड़ रही हूँ और मुझे एक जस्टिस चाहिए। और अगर मुझे उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी चाहिए होती तो आज मैं उनके घर पर बैठ कर ही सब कुछ ड्रामा करती, लेकिन मैंने वो कभी नहीं किया। और मुझे सितंबर 2011 में घर से धक्के मार के बाहर निकाला और उन्होंने कहा कि जाओ, जाकर अपने पैसे खुद कमाओ और खुद देखो और अपनी ज़रूरतें पूरी करो, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे और अभी हम तुम्हें घर पे भी नहीं लेंगे, और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम काफ़ी नेगोशिएट किया, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि हर एक लड़की चाहेगी कि वो अपनी मैरिज को सेव करे और अपने मैरिज को ख़राब नहीं करे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे समझा ही नहीं, बल्कि मेरे पेरेंट्स को इतना टॉर्चर किया, बहुत मीटिंग्स की लेकिन कोई सल्यूशन नहीं लाया। और आज परसों जब मैं घर पर आई तो मेरा पति बोलता है कि घर पे मत आ, मैं तेको आने नहीं दूंगा, कैसे कैसे करके। मैंने बोला ये मेरा घर है, मेरा हक है, मुझे आने दो। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से। मेरे डैड और मॉम बाहर खड़े थे, मेरे डैड जल्दी आए मुझे रेस्क्यू करने के लिए, और मेरे डैड
डैड का कॉलर पुल किया, शर्ट खींचा, उनको जोर से पंच लगाया मितुल सांघवी ने, और उसके बाद फिर मुझे भी बहुत मारा, मेरे बाल खींचे और मुझे यहाँ होठों पर बहुत जोर से मारा और जोर जोर से चिल्लाने लगे। और मुझे ये टॉर्चर बहुत हो रहा है, अभी 2 दिन से मैं डर गई हूँ, मैं अपनी बहन को लेकर वहाँ रह रही हूँ तो हमें खाना पीना प्रोवाइड नहीं कर रहे, टीवी देखना चाहते टीवी देखने नहीं देते, घर से आने जाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। आज भी मैं बहुत मुश्किल से निकली हूँ डर डर के, और मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा डरा के रखा है, और कहीं ना कहीं बस मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले, मुझे घर की चाबी नहीं देते हैं। लेकिन ये वो लोग कर क्यों रहे? कि मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया, दे लुक डाउन अपॉन द मीडिया पीपल आई फील। कहीं ना कहीं कुछ कमलेश सांघवी जो मितुल सांघवी के बाप हैं, उन्हें ये पता नहीं, उन्हें मैरिज एक्सेप्ट तो किया लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या अंडर इम्प्रेशन है कुछ समझ में नहीं आता। आपके साथ मारपीट भी करते? हाँ, उन्होंने मुझे बहुत बार गालियाँ बकी है, और उन्होंने मुझे कहा है कि ये ड्रामा बंद करो, ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये ड्रामा सीरियल में करो, ऐसे ऐसे तरीके की लैंग्वेज यूज़ की है उन्होंने। यहाँ मैं बास्टर्ड नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है तुम क्या कर रही हो, बहुत शकी है, जैसे कि मैंने शादी करके कोई क्राइम किया है। मुझे डायरेक्टली अपने हस्बैंड से बात नहीं करने देते, कहते हैं कि जो भी बात करनी है वो मुझसे करो, उसके बाद अपने हस्बैंड से बात करो। इसका सोल्यूशन कुछ उन्होंने बताया कि क्या सोल्यूशन हो सकता है? अभी बस मैं न्याय चाहती हूँ और मैं अपने जस्टिस के लिए लड़ना चाहती हूँ, और मैं आज NC कराई है पुलिस स्टेशन में, जुहू पुलिस स्टेशन में, और बस मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है, एक लड़की के एक औरत के साथ हो रहा है, उसे सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, और आज मैं अपना हक मांग रही हूँ, मेरे पति का हक, और अगर वो मुझे नहीं मिल रहा है तो आपको जो करना है वो ग्रेसफुली और एक कंक्लूजन अच्छे तरीके से लाइए। इस तरह से मेरे पेरेंट्स और मुझे टॉर्चर करके आप लोग क्या गेन कर रहे हैं, दक्षा सांघवी और कमलेश सांघवी और मितुल सांघवी? लेकिन अभी उन्होंने कुछ कहा, आपने आज जो NC दर्ज कराई है वो मारपीट की NC दर्ज कराई है? जी जी, गाली गलोच, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, मेंटल टॉर्चर किया जाता है मुझे। आपकी शादी कब हुई थी और कब से शुरू हुआ? ये 24 अक्टूबर 2010 में मेरी शादी हुई है, और सितंबर 2011 को मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाला। तो अब आप उनके साथ ही रहते हैं, उनके घर में रहती हैं? हाँ, मैं 3-4 दिन से उनके घर पे ही रह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ समझ ही नहीं रहे, मेरे माँ बाप को, मुझे, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। मैं डर के मारे आज यही सोचती थी कि मेरी बहन की शादी हो जाए, और मैं अपनी मैरिज सेव करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं समझा, उनमें इमोशंस नहीं है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पेट्रोकेमिकल्स, एक्री ऑर्गेनिक्स चलाते हैं, लेकिन आज बहुत शैलो थिंकिंग है और बहुत कंजर्वेटिव इलिबरल है। मेरा सारा काम काज करियर दाव पे लगा के आज मैं कहीं नहीं हूँ। मैंने आज तक अपने एक एक बिल्स, म्यूचुअल फंड्स, जो भी है मेरे छोटे छोटे बिल, मोबाइल बिल, मेरे क्रेडिट कार्ड बिल, सब मैंने अकेले भरे हैं, और आज करियर भी नहीं है, और मैं किस तरह से अपने सेविंग्स में, मैंने अपने शादी में अपना पूरा खर्चा निकाल दिया। अच्छा, आप अभी उनके घर जाएंगे या अपने घर? अभी आपने क्या सोचा है? मैंने बहुत हिम्मत दिखाई है और मैं अभी उनके घर पे रह रही हूँ। आज पुलिस को भी मैंने बताया, जू पुलिस में, कि ये इस मेरे साथ हो रहा है, अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है, और वो किस तरह से अपनी बहू के साथ, वो और मितुल सांघवी अपनी बीवी के साथ बिहेव करता है।